मुरादाबाद प्रदेश भर में आज सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश भर के सभी थानों में बनाए गए महिला हेल्पलाइन डेस्क का वीडियो कॉलिंग के माध्यम से उद्घाटन किया। महिला हेल्पलाइन डेस्क मिशन शक्ति के दौरान बनाए गए हैं, जिसमें पीड़ित महिलाओं की तुरंत सुनवाई व पीड़ित महिलाओं की मदद की जाएगी। मुरादाबाद में भी आज कई थानों में महिला हेल्पलाइन डेस्क बनाए गए। मंझोला थाने में भी महिला हेल्पलाइन डेस्क के शुभारम्भ के दौरान IG रेंज भी रहे, साथ ही महापौर विनोद अग्रवाल एवं कई जनप्रतिनिधि एवं विभिन्न संगठन समाज सेवियों आदि को आमंत्रित किया गया था, जिसमें मिशन शक्ति के दौरान बनाए गए महिला हेल्पलाइन डेस्क के माध्यम से अब पीड़ित महिलाओं की जल्द सुनवाई की जाएगी। पीड़ित महिला अपनी किसी भी परेशानी को लेकर थाने में आए और महिला आरक्षी को निडर होकर बताए। मिशन शक्ति के दौरान सभी थानों में बनाए गए महिला हेल्पलाइन डेस्क सातों दिन 24 घंटे खुले रहेंगे। वहीं महिला हेल्पलाइन डेस्क में आई शिकायतों की उच्च स्तरीय अधिकारियों द्वारा मॉनिटरिंग की जाएगी। मिशन शक्ति अभियान में हम लोग पहले दिन से ये नोडल ऑफिसर के रूप में, मुरादाबाद के नोडल ऑफिसर के रूप में मैं पूनम श्रीवास्तव यहाँ का पूरे कार्यक्रम देख रही हूँ। पहले दिन जो आपका जागरूकता कार्यक्रम से शुरू हुआ और आज ये सातवां दिन है और महिला हेल्प डेस्क का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया, यह अत्यंत ही सुखद है, क्योंकि हमारी जो महिला है, ऐसा नहीं है कि पुलिस में ऐसी चीज़ें नहीं होती थी, लेकिन इसको जो एक एक विभाग से जोड़ा गया है, सबसे खास बात इस मिशन की ये है, इस अभियान की ये है कि हर विभाग से इसको जोड़ा गया है और जो तमाम महिलाएं जो स्कूलों में थी, आंगनवाड़ियों में थी, आशा केंद्रों में थी और तमाम समाज सेवी संस्थानों से जुड़ी थी, उनका समन्वय होके उनको वो सब चीज़ें पहुँचेंगी और उसका लाभ उस लास्ट आदमी तक, लास्ट महिला तक मिलेगा जो कि कहीं ना कहीं पहुँचने में सक्षम नहीं थी। तो हमारे मुरादाबाद में आदरणीय IG साहब, कमिश्नर साहब और जिलाधिकारी और SSP साहब ने बहुत अच्छे तरीके से इसका आयोजन किया है। कई प्रोग्राम में मैं स्वयं शामिल हुई हूँ, तमाम सेमिनार, वेबिनार, वर्कशॉप, जागरूकता कार्यक्रम, रैलियाँ और स्कूलों में हर तरीके से किया गया है। इसके लिए मैं सभी का आभार प्रकट करती हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद प्रकट करती हूँ कि उन्होंने सबको जोड़ा और ये एक अभियान में लगाया। जो सकारात्मक ऊर्जा का उनका संदेश है, उसको हम पूरा करने का संकल्प लेते हैं। धन्यवाद। जय मैं आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा महिला हेल्प डेस्क का उद्घाटन किया गया है। मिशन शक्ति में पिछले एक सप्ताह से करीब अलग अलग विभिन्न कार्यक्रम चल रहे हैं। ये विभिन्न कार्यक्रमों में की कड़ी में जो कई NGOs, कई विभाग और जनप्रतिनिधि महिलाएं कई अलग अलग आके इस कार्यक्रमों से जुड़ी हैं, उसी की कड़ी में, उसी के क्रम में आज महिला हेल्प डेस्क का उद्घाटन किया गया माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। विभिन्न जनपदों में कई लोगों से बातचीत की गई और उनके द्वारा एक संदेश दिया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी के संदेश के द्वारा यहाँ पे उपस्थित सभी पुलिसकर्मियों में, जनप्रतिनिधियों में, जो NGO से जुड़ी हुई महिलाएं हैं और अलग से विभिन्न महिलाएं जो इस कार्यक्रम से जुड़ी हैं, उनमें नई ऊर्जा का संचार हुआ है और इसको जो आगे शारदीय नवरात्रि आ रही है, अगले लगभग 6 माह तक ये कार्यक्रम जारी रहेगा, उसके लिए एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है और एक नई सकारात्मक ऊर्जा सबके अंदर आई है। सबकी सोच में एक नया परिवर्तन आएगा, ये कार्यक्रम अपने मिशन, अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करेगा। इस नई ऊर्जा और इस नए संकल्प के साथ आज हम सभी इस उद्घाटन कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। महिलाओं की मदद करने के लिए महिला हेल्प डेस्क सुचारू रूप से अब कार्यरत है। सर, क्योंकि महिला हेल्प डेस्क सभी सालों में हुए हैं, लेकिन कितना बदलाव आएगा और किस तरह के बदलाव सामने देखने को आएंगे? मैं अभी उसी चीज़ को बोल रहा था कि सबकी सोच में परिवर्तन आएगा, सब जुड़े हैं, सकारात्मक रूप से सब जुड़े हैं, तो इसका बहुत अच्छा और सकारात्मक प्रभाव हमें दिखाई देगा, दिखने लगेगा। कुछ अलग थाना स्तर पे आपको महिला हेल्प डेस्क दिखाई दे रही है पीछे, ये जो भी महिला कर्मी आएंगे उनकी मदद करने के लिए है, जो पीड़िता आएंगी उनकी मदद और उनको एक जगह पे सब सोल्यूशन मिले उसके लिए है।